बाबू, माइनिंग के बच्चे चाहे डिप्लोमा कर रहे हो या डिग्री कर रहे हो, या सिविल इंजीनियरिंग के बच्चे डिग्री कर रहे हो या डिप्लोमा कर रहे हो, डायल सर्वेइंग आपको रहता है, जिसको कंपास सर्वेइंग भी बोलते हैं, ठीक है। उसमें आप लोग बियरिंग वर्ड सुनते होंगे। बियरिंग अलग चीज होता है, एंगल अलग चीज होता है। बहुत सा बच्चा लोग इसी को सब एक ही समझ लेता है। और सर्वे, तो हम यहाँ दोनों को अलग अलग करेंगे, और हम होल सर्कल बियरिंग से क्वाड्रिलेटरल बियरिंग, ये जिसको रिड्यूस बियरिंग कैसे कैलकुलेट करते हम बताएंगे, रिड्यूस बियरिंग से, या रिड्यूस बियरिंग को क्वाड्रेट क्वाड्रिलेटरल बियरिंग बोलते हैं, उससे डब्ल्यूसीबी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए आसान तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। बियरिंग क्या होता है? पहली बात, सर्वे में कोई भी मेजरमेंट जो होता है वो रिफरेंस, एक स्टैंडर्ड रिफरेंस को ध्यान में रख के करते हैं, उसको बेस मान के करते हैं। आप यदि कोई एंगल मेजरमेंट कर रहे हैं किसी लाइन का, और वो यदि किसी स्टैंडर्ड लाइन ऑफ रिफरेंस से संबंधित है, उस सिस्टम को बोलते हैं मेरिडियन। क्या बोलते हैं? मेरिडियन। आपने रेगुलेशन 64 पढ़ा है, उसमें लिखा है माइन प्लान शैल शो ट्रू नॉर्थ आर मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। बेसिकली दो ही टाइप के मेरिडियन होते हैं। फिर आप लोग पढ़ेंगे एज्यूम्ड मेरिडियन, फॉल्स मेरिडियन, वो अलग चीज है, मान लिया जाता है, मतलब वो मेरिडियन नहीं। मेरिडियन दो ही टाइप का होता है, ट्रू मेरिडियन, या जिसको जियोग्राफिकल मेरिडियन बोलते हैं, या ट्रू नॉर्थ बोलते हैं, और एक दूसरा होता है मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। ये नॉर्थ है, क्या है? नॉर्थ मेरिडियन है। ये एक लाइन है जो स्टैंडर्ड लाइन है, जो कि इसी के रिफरेंस में हम एंगल मेजरमेंट करेंगे। यदि करेंगे इस नॉर्थ मेरिडियन के रिफरेंस में, तब इस सिस्टम को बोलते हैं होल सर्कल बियरिंग, ठीक। अभी आगे बताएंगे। यदि आप ये नॉर्थ या साउथ, और इस बियरिंग में हम बताते क्या, दो चीज बताते, एंगल अमाउंट ऑफ एंगल और डायरेक्शन ऑफ लाइन, मतलब कितना चीज बताते बियरिंग में, सिर्फ एंगल नहीं बताते, अमाउंट ऑफ एंगल प्लस डायरेक्शन ऑफ लाइन। एक एग्जांपल के लीजिए, ये ए है और ये बी है, ए लाइन है ए बी, इस लाइन ए बी का ये वाला हुआ अमाउंट ऑफ एंगल, क्या हुआ? अमाउंट ऑफ एंगल, यहां से यहां तक अमाउंट ऑफ एंगल हुआ, ठीक है। और ये किस डायरेक्शन में, किधर है ये? साउथ और वेस्ट के बीच में है। तो यहां इसका अमाउंट बताएंगे हम, कि नॉर्थ से मान लो कि उदाहरण के लिए 240 डिग्री पे है, कितना पे है ये एंगल, कितना मतलब 240 डिग्री कहां पर है? नॉर्थ से है 240 दूर एबी लाइन है, ये बताई गई, ठीक है। तो ये जो बेयरिंग है, इसका डेफिनेशन क्या हुआ? अब डेफिनेशन क्या हुआ, कितना चीज बोला? दो चीज, एंगल है और डायरेक्शन है। तो एंगल किसके बीच में है? यदि हम सिर्फ अभी नॉर्थ की बात करें, अभी एक दूसरा और फिगर है, ये होल सर्कल बेयरिंग का है, ये क्वाड्रिलेटरल बेयरिंग का भी आएंगे। यदि हम सिर्फ नॉर्थ से ही एंगल को मेजरमेंट कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं होल सर्कल बेयरिंग, ठीक। तो ये आपका एक मेरिडियन हुआ, स्टैंडर्ड लाइन ऑफ रिफरेंस इज नोन एज मेरिडियन। तो ये स्टैंडर्ड लाइन ऑफ मेरिडियन जो है नॉर्थ है, ये नॉर्थ से लेकर के कहां तक का, इस लाइन एबी के बीच जो एंगल बना, इसको बोल रहे हैं बियरिंग। तब इसका डिफरेंशन कैसे लिखेंगे? ऐसा लिखेंगे क्या, नॉर्थ से लेकर के एबी के बीच जो एंगल बना, मतलब एबी क्या है? ये लाइन कंसर्न है, संबंधित लाइन है। लाइन कंसर्न मतलब संबंधित लाइन, और किसके बीच एंगल है? मेरिडियन के बीच, ठीक है। तो बियरिंग ऑफ ए लाइन कैसे लिखेंगे डेफिनेशन? द बियरिंग ऑफ ए लाइन इज हॉरिजॉन्टल एंगल सबटेंडेड बिटवीन द मेरिडियन एंड द लाइन कंसर्न, ठीक है, कोई दिक्कत हुआ? और क्या बताता है? द बियरिंग रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ लाइन, देखिए यही तो लिखा है यहां, द बियरिंग ऑफ ए लाइन इज द हॉरिजॉन्टल एंगल सबटेंडेड
बिटवीन द लाइन कंसर्न एंड द मेरिडियन, इट इज ए सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ लाइन। और ये आप फिर आगे और देखते हैं, ठीक है। ये बेयरिंग भी दो टाइप का होता है, होल सर्कल बेयरिंग और क्वाड्रिलेटरल बेयरिंग, ये जिसको रिड्यूस्ड बेयरिंग बोलते हैं, क्यूबिक को आर्बिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो एंगल बना आपका यहां से यहां तक का एंगल किसके बीच बना, ये लाइन और ये मेरिडियन के बीच बना। तो डेफिनेशन क्या हुआ, एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द लाइन कंसर्न, द लाइन कंसर्न एंड द मेरिडियन। अब मान लो इधर नीचे के फिगर में आइए, ये होल सर्कल बेयरिंग, ये नीचे का, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट वेस्ट, ये होल सर्कल, ये हुआ आपका आरबी रिड्यूस्ड बेयरिंग जिसको क्वाड्रिलेटरल बेयरिंग बोलते हैं। इसमें हम करते क्या है, इसमें हम करते क्या है, नॉर्थ या साउथ के पास में जो लाइन है उसके हिसाब से हम डिजिग्नेट करते हैं उस लाइन को। मान लो ये लाइन ए बी है, क्या है, लाइन ए और बी है, किसके पास है ये, साउथ के पास है, साउथ मेरिडियन के पास, ये नॉर्थ है, ये साउथ के पास है। तो साउथ से किधर में है, देखिए इसमें क्या फिगर में दिख रहा है, इसको थोड़ा दूर करके बताता हूं ताकि आप लोग को दिखे। ये जो एरो बताया, ये जो लाइन ए बी है वो साउथ के है पास में, और किधर इसका एरो किधर दिखाया है, ईस्ट के तरफ, मतलब ये इसका डायरेक्शन क्या हुआ, साउथ ईस्ट बनना था, साउथ ईस्ट। अब ये जो एंगल होगा उसको यहां लिख देंगे, मान लो 40 डिग्री है तो 40 डिग्री लिख देंगे, साउथ 40 ईस्ट, मतलब इसको जो साउथ के पास होगा साउथ से मेजरमेंट करेंगे, नॉर्थ के पास होगा नॉर्थ से। तो और इधर के डायरेक्शन, मान लो कोई एक लाइन था इधर था ऐसा, तो ये भी साउथ के पास में, तो ये यहां से यहां तक का ये मेजरमेंट, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में हुआ, साउथ वेस्ट में हो गया। मान लो कोई एक लाइन यहां पर है तो ये किधर हुआ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, तो डायरेक्शन भी बता रहा है साथ में अमाउंट ऑफ एंगल भी बता रहा है। मान लो कोई लाइन ऐसा था तो कहां हुआ, ये भी नॉर्थ के पास में, तो ये इधर से इधर आया, तो नॉर्थ से ईस्ट, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ हुआ। और यहां जो एंगल सबटेंडेड होगा, ये नॉर्थ और ये जो कंसर्न लाइन के बीच जो एंगल सबटेंडेड हुआ वही आपका हुआ बेयरिंग, और उसने साथ में डायरेक्शन बताएंगे कि ये नॉर्थ से वेस्ट के तरफ कितनी दूर पर है, कितनी झुकी हुई है लाइन है, ठीक है। कोई इसमें दिक्कत है, बेयरिंग दो टाइप का होता है, डब्ल्यू सी बी क्यू बी, डब्ल्यू सी बी को बताया कि इसको हमेशा सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ मेरिडियन से ही हम मेजर करेंगे डब्ल्यू सी बी को। क्यू बी में क्या होगा, या तो नॉर्थ से या साउथ से मेजर करेंगे, वो जो लाइन आपको दिया गया है वो लाइन नॉर्थ के पास है तो नॉर्थ से, साउथ के पास है तो साउथ से, तो साउथ से है तो साउथ ईस्ट होगा या साउथ वेस्ट होगा, नॉर्थ में तो नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट में होगा तो नॉर्थ ईस्ट होगा, ईस्ट क्वाड्रेंट में तो नॉर्थ वेस्ट होगा, ठीक है। अभी और फिगर बना रहे, अब रही बात कि एंगल क्या है, ये तो बेयरिंग हुआ, एंगल क्या है, एंगल क्या होता, लोग एंगल और मेरिडियन बेयरिंग में डिफरेंस समझ ही नहीं पाते हैं, जबकि दोनों अलग अलग चीज है, दोनों क्या है, जमीन आसमान का, एंगल में सिर्फ अमाउंट है। अब लोग हिंदी वाले बच्चे कभी पढ़े होंगे सदिश और अदिश राशि, सदिश जिसमें दिशा भी बताना जरूरी, अमाउंट के साथ दिशा भी बताना जरूरी होता है, और एक अदिश होता है जिसमें दिशा बताने की जरूरत नहीं, सिर्फ अमाउंट बताने की, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी अंग्रेजी के बच्चे लोग बोलते होंगे, ठीक है। तो आपको ये जो बेयरिंग है ये सदिश राशि है, क्या है, सदिश राशि, जिसमें अमाउंट, एंगल का अमाउंट प्लस उस लाइन का डायरेक्शन दोनों दिखाया जाता है, जबकि एंगल में सिर्फ क्या दिखाते हैं, अमाउंट दिखाते हैं। तो एंगल क्या चीज, किसको बोलते हैं एंगल, हम मेथोडोलॉजी से पढ़ते रहते हैं। मान लो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और एक लाइन ए बी है, क्या ये ए बी है और ये एंगल है, ठीक है। ऐसा भी होता है हॉरिजॉन्टल एंगल है, ये वर्टिकल प्लेन है, ठीक है, और ये एंगल है। मान लो ये लाइन है ए बी, एंगल दो टाइप का होता है, एक हॉरिजॉन्टल एंगल होता है, एक वर्टिकल एंगल होता है।
बेसिक मेजरमेंट जो है बेयरिंग के लिए हमको हॉरिजेंटल एंगल चाहिए, वर्टिकल एंगल नहीं चाहिए, ठीक है। बेयरिंग में जो भी एंगल का नाम बोलता है वो हॉरिजेंटल एंगल रहता है। तो एंगल दो टाइप के होते हैं, हॉरिजेंटल एंगल और वर्टिकल एंगल। के एंगल का डिफरेंशिएशन तो एक ना होगा, चाहे वर्टिकल प्लेन लीजिए चाहे हॉरिजेंटल प्लेन लीजिए। हॉरिजेंटल प्लेन में बन रहा है तो हॉरिजेंटल एंगल, वर्टिकल प्लेन में बन रहा है तो वर्टिकल प्लेन। तो होता क्या है, एक लाइन है, क्या है लाइन है, ए बी लाइन के दोनों तरफ एरो दिखाते बेटा, ऐसा पढ़ाई थे हमारे मास्टर साहब ने सिक्स सेवंथ में है। इसका दो एंड है, एक ये एंड है एक ए एंड है, दो छोर है दो सिरा है, जिसको अंग्रेजी में एक्सट्रीमी भी बोलते हैं, ठीक है। उसमें से एक तो फिक्स रहेगा और एक तो क्या करेंगे हम टर्निंग कर देंगे, रिवॉल्व कर देंगे, घुमा देंगे, तो वो हॉरिजॉन्टल के साथ या वर्टिकल के साथ जितना घुमाव हुआ उसी को बोलते हैं एंगल। आप उदाहरण के लिए देखिए, इसको छोड़िए अभी, ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल किसको बोलते हैं, ये पोजीशन क्या है स्केल का हॉरिजॉन्टल, ये क्या हुआ वर्टिकल, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल है और ये लाइन ए बी है, इसका एक एंड तो ये फिक्स्ड है, एक एक्सट्रीमी फिक्स्ड है और ये दूसरा एंड को, अब इसी को हम यहां जैसे इतना था ये लिया, इसको हम ऐसा कर दे, ये ए बी हो गया। तो एक एंड जो ये एंड है इसको रिवॉल्व करते चले जाए तो किसके रिफरेंस में, विद रिफरेंस टू हॉरिजॉन्टल, मतलब वन प्लेन में, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो, जितना हम क्या कर दे इसको अमाउंट ऑफ टर्निंग कर दे, टर्न कर दे लाइन को, कहां से रिवॉल्विंग अबाउट वन ऑफ इट्स एक्सट्रीमी, ठीक है। किसी एक एक्सट्रीमी को पकड़ के इस लाइन को जितना हम घुमा दे उससे इस प्लेन के साथ जो यहां पर एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं एंगल, क्या बोलते हैं एंगल, देखिए क्या लिखा है ब्रदर, एन एंगल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ टर्निंग ऑफ ए लाइन रिवॉल्विंग अबाउट वन ऑफ इट्स एक्सट्रीमिस एक्सट्रीमिटीज इन वन प्लेन, ठीक है। अब हम देखेंगे चेंज करना इन क्वाड्रिलेटरल बेयरिंग को आरबी में, डब्ल्यूसीबी में, डब्ल्यूसीबी को आरबी में कैसे चेंज करते हैं उसका सरल तरीका देखेंगे। टेबल टू बुल याद नहीं करना, वो किसी से याद भी नहीं होता, समझ लीजिए एक बार आसानी से हो जाएगा, हम बता रहे हैं। हाँ बाबू, ये कन्वर्ट द होल सर्कल बेयरिंग इनटू क्वाड्रेंट बेयरिंग और रिड्यूस्ड बेयरिंग, ठीक है। ये आपको चार हम सिंपल सिंपल कैलकुलेशन लिए, ठीक है, कुछ नहीं, कितना दिया है 69 डिग्री 30 मिनट जो डब्ल्यूसीबी में है इसको क्यूबी में आपको बताना है। कुछ नहीं, पहले फिगर बनाइए, क्या कीजिए, ऐसा फिगर बना लीजिए, फिगर बना लीजिएगा एग्जाम में तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा, बिना फिगर बनाए कभी सॉल्व मत करना तो गलती नहीं होगा, यदि फिगर नहीं बनाएगा तो गलती होने के पूरे चांसेस रहेंगे, ठीक है। ये नॉर्थ हो गया, ईस्ट वेस्ट साउथ, ठीक है, कितना डिग्री बोला है, और एक डब्ल्यूसीबी मतलब कहां से दिया है, नॉर्थ से दिया है, नॉर्थ से कितना दिया है 69 डिग्री 30 मिनट। तो ये एक अंदाजी में हमने मान लो इसका नाम दे दिया ए बी, और लाइन में एरो बताना जरूरी रहता बेटा, मतलब कभी भी बेयरिंग का भी हम डिफरेंशिएशन बताए, क्या बताए, बेयरिंग मीन्स द हॉरिजॉन्टल एंगल सबटेंडेड बिटवीन द लाइन कंसर्न एंड द मेरिडियन, यही ना बोला बेयरिंग में कि ये जो संबंधित लाइन है और इस मेरिडियन के बीच जो एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल एंगल दैट इज नोन एज बेयरिंग, ऐसे ही ना बोले थे स्टार्टिंग में। तो ये कितना बेयरिंग दिया है 69 डिग्री 30 मिनट, ये पहला वाला, ठीक है बेटा, 69 डिग्री 30 मिनट हम अंदाजी में खींच लिए, ठीक है, आपको भी रफली करते चलना है। अरे ऐसा करो तो 90 होता है ना, ये 90 है, 90 डिग्री है, 69 है, मतलब 90 थोड़ा सा कम ले लिया, खत्म हो गया, ठीक है, ये इतना दिया है। अब इसको क्या काहे में बताना अपने को कि इसका आरबी या क्यूबी क्या होगा। तो ये जो लाइन बना आपका ए बी, ये किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट, जिसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, और आरबी में ये तो नॉर्थ से या साउथ से ही डायरेक्शन बताना है लाइन का, तो किस में पड़ा ये,
नॉर्थ में पड़ा, नॉर्थ में है, और ये एरो देख रहे कि किधर से किधर बना, इधर से इधर एंगल आया था नॉर्थ में, कितना डिग्री बना था 69 डिग्री 30 मिनट, और वो ईस्ट में बना, किस तरह बना, ईस्ट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पहला वाला क्वाड्रेंट में कुछ नहीं करना है, जितना आपका डब्ल्यू सी भी रहेगा उतना ही आपका आरबी भी रहेगा, या जिसको क्यू भी बोलते वो रहेगा, हो गया, कोई दिक्कत है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई दिक्कत नहीं, आपको यहां 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 के लिए सोचना होगा, ठीक है? तो ये पहले वाले का आंसर हो गया, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में नॉर्थ से ईस्ट के ही तरफ चले थे, और जितना डब्ल्यू सी भी रहेगा उतना ही लिख देना आपको यहाँ पे वैल्यू, कुछ नहीं करना। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है? क्या लेते हैं, 125 डिग्री 40 मिनट, और डब्ल्यू सी बी में कहा से लेते हैं बेटा, नॉर्थ से, ठीक है? और एक चीज बता दे, ये कोई लाइन है आपका, तो ये लाइन के एक तरफ का एंगल कितना होता है 180 डिग्री, इसको ऐसा बीच में परपेंडिकुलर डाल दो बेटा, ये 90 हुआ कि 90, ये 90 तो 180 हुआ कि नहीं? मान लो कोई ये लाइन है, ये लाइन के एक तरफ का एंगल कितना हुआ 180, कितना हुआ 180, तो यहां से यहां तक कितना हुआ 180, ठीक है? यहां से यहां तक कितना हुआ 270, और यहां से यहां तक कितना हुआ 360, हुआ कि नहीं हुआ? इतना कितना क्लियर है? यदि इतना क्लियर है तो फिर बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है? और यदि इतना क्लियर भी नहीं है तो फिर तो भगवान ही मालिक है, ठीक है? कोई रूल पूरी याद नहीं रखना, देखो ना हम बता रहे, हम फटफट बना रहे, थोड़ा आड़ा टेढ़ा होगा समझ जाएगा। कितना बोला, ये वाला ले रहे 125 डिग्री 40 मिनट, यहां से यहां तक का तो 90 हुआ, 125 मतलब इससे अधिक, तो ये मोटा मोटी हमने यहां तक ले लिया, मान लो इस लाइन का नाम दे दिया ए बी, तो डब्ल्यू सी में कहां से दिखाते कभी भी, नॉर्थ से, तो नॉर्थ से ये एंगल कितना बना बेटा 125 डिग्री 40 मिनट आपको दिया हुआ, ये दिया है, लेकिन हमको ये नहीं बताना है, हमको ये बताना है कि ये लाइन ए बी जो है किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा, साउथ ईस्ट में पड़ रहा है, किसमें पड़ रहा है, साउथ ईस्ट में। तो जो नॉर्थ से या साउथ से ही क्यूबी में हम मेजरमेंट करते, तो हमको बताना है ये वाला, कौन सा बताना है, ये वाला बताना है, क्या बताना है, ये वाला डायरेक्शन लिखेंगे हम साउथ ईस्ट, और इसका अमाउंट लिख देंगे, क्योंकि बेरिंग में दो चीज बताते, एंगल का अमाउंट और डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या हुआ, साउथ ईस्ट में, और ये जो ये लाइन ए बी है, इस लाइन ए बी और इस मेरिडियन नॉर्थ साउथ मेरिडियन के बीच में जो एंगल बना वही ना बेरिंग हुआ, तो ये बताना ये वाला क्या रखेगा। अब इसके लिए ये यहां से यहां तक का टोटल कितना है, ये वाला ये कितना है समझाने के लिए बता रहा हूं, ये वाला ये कितना 180 है, 180 में से आपको इतना दिया हुआ है ना बेटा, तो 180 में से इतना को माइनस कर दो तो ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये टोटल 180 है, 180 में से तो इतना आपको दे दिया, तो 180 में से इसको माइनस कर दीजिए तो ये वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमको ये नहीं चाहिए साउथ ईस्ट, तो इसके लिए निकालना क्या करेंगे हम क्यूबी में, क्यूबी में कैसे निकालेंगे, 180 माइनस, क्योंकि यहां से यहां तक 180 था, तो 180 था और ये ऑलरेडी दिया हुआ है, हमको चाहिए ये वाला, तो 180 में से ये वाले को हम 180 माइनस क्या कर देंगे 125 डिग्री 40 मिनट, मतलब डब्ल्यू सी बी को माइनस कर देंगे। लेकिन आप यहां पे जब भी लिखेगा बियरिंग है, बियरिंग में क्या रखिए, डायरेक्शन बताते तो नॉर्थ के पास है नॉर्थ से बताएंगे, साउथ के पास है साउथ से बताएंगे, किससे आइए साउथ के पास, मैं किस तरह भाई मैं एरो इधर बनाया हूं, ऐसा ऐसा एरो दिखाया हूं साउथ ईस्ट, तो सबसे पहले माइनस मत कीजिएगा, सबसे पहले माइनस मत कीजिए इसको, डायरेक्शन लिख लीजिए साउथ, थोड़ा सा दूर में लिख लीजिए ईस्ट, और अब माइनस कर लीजिएगा 180 में से 125 डिग्री 40 मिनट को माइनस करके जो भी आंसर यहां पर आएगा उसको यहां लिख दीजिएगा। अब ये माइनस तो करते आते ना, माइनस कर लीजिएगा, चीजें समझ आना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट को लेते हैं,
नेक्स्ट को लेते 241 डिग्री 10 मिनट। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कितना है 241 डिग्री 10 मिनट। तो यहां से यहां तक का बेटा होता 180 और यहां से यहां तक का हो जाएगा 270, मतलब 270 से ये कम है। मान लो हमने मोटा मोटी मान लिया इसको इतना और नाम दे दिया लाइन का, ये यहां से यहां तक का ये एंगल, इसका नाम दे दिया ए और बी, मान लो लाइन का नाम दे दिया ए बी, ठीक है। और ये यहां से यहां तक का कितना है 241 डिग्री 10 मिनट, ये तो दिया हुआ है। लेकिन हमको क्या चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए, क्या चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए। तो डायरेक्शन क्या हुआ आपका, साउथ वेस्ट, क्योंकि बेयरिंग में डायरेक्शन बताते साउथ वेस्ट, क्योंकि नॉर्थ से या साउथ से ही हम मेजरमेंट करते हैं क्वाड्रेंटल बेयरिंग को। तो साउथ से वेस्ट के तरफ ये भी कितना दूर है ये बताना है। तो ये टोटल कितना था बेटा, यहां तक कितना है 270 है, कितना है 270। और हम ये भी जानते हैं कि ये जहां मैं पेन चला रहा हूं यहां से यहां तक कितना है 180, कितना है ये 180। यहां से लाइन के एक तरफ का एंगल कितना होता है 180, ये 180 है। और हमको मेरा लाइन खड़ा है यहां पर, तो मुझे इतना ना चाहिए। तो हम ये जो 241 दिया उसमें से इसको यदि माइनस कर दे, देखिए यहां से लेके यहां तक 241 दिया है, ठीक है, यहां से यहां तक का 241 है और यहां से यहां तक का कितना 180। तो इस 180 को मैंने गायब कर दूं, ये गायब कर दिया, अभी देखिए ये गायब कर दिया, यहां ए भी था यहां ए था, गायब कर दिया, यही ना बचा जी। मतलब इस 241 में से 180 को गायब कर दूं, मतलब माइनस कर दूं, तो ये वाला मिलेगा कि नहीं मेरा, ये वाला मिलेगा ना, मिलेगा। तो इसमें हमको क्यू भी निकालना है, ऐसा आप लोग डिलीट मत कर दीजिएगा, मैं समझाने के लिए डिलीट किया। क्यू भी इक्वल टू कितना हो जाएगा 241 डिग्री 10 मिनट माइनस 180, क्योंकि ये यहां से यहां तक का एंगल आपको दिया था, यहां से यहां तक का दिया था 241 हम, और आपको तो चाहिए ये बात, तो आपको इससे न लेन देना है। आपने इस 180 को ही क्या कर दिया, खत्म कर दिया, माइनस कर दिया। तो ये वाला मिल गया कि नहीं मिल गया, और किस डायरेक्शन में मिला, साउथ वेस्ट में, इतना हो गया। इसको डिग्री लिखेगा, अब क्यूबी में फिर लिखेगा, तो माइनस मत कीजिएगा, बच्चा लोग इसको माइनस के चक्कर में रहेगा, अरे माइनस तो कोई कर ले, डायरेक्शन मतलब ना होता है बेयरिंग में, क्या लिखेगा साउथ वेस्ट या साउथ या वेस्ट, अब कीजिएगा माइनस और जो आएगा उसको यहां पर लिख दीजिएगा। तो आपका क्या मिल जाएगा, साउथ वेस्ट में कितना अमाउंट का एंगल इस लाइन एबी ने बनाया वो मिल जाएगा, ठीक है। ये माइनस करके यहां पर वैल्यू लिखिएगा, ऐसा बॉक्स मत बनाइएगा, ठीक है, यहां लिखना है ये बता रहा हूं। नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट क्या है 330 डिग्री, ये आर्बिट्री हम वो ले लिए नंबर, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे फिगर से बना लीजिएगा, कितना 330। अरे बाबा यहां से यहां तक का कितना है 360, हमको कितना देना है 330, तो मोटा मोटी यहां तक का ले लिया मान लो मैंने, ठीक है। अब इसका नॉर्थ से लिया, क्योंकि होलसेल का बेयरिंग में नॉर्थ से बताते, यहां से यहां तक का कितना दिया है 330 डिग्री, और हमको कहां से चाहिए, ये किस क्वाड्रेंट में आया, नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट में, हमको चाहिए क्वाड्रेंटल बेयरिंग में ये वाला, ठीक है। क्या चाहिए, सिर्फ हमको इतना एंगल चाहिए, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ ये एंगल कितना बन रहा है, ठीक है, क्वाड्रेंटल बेयरिंग में। तो आपको क्या करना होगा, ये टोटल कितना था बेटा, ये टोटल था 360, इस 360 में से ये जो भी दिया है आपको इसको माइनस कर दीजिए, तो ये वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो क्या हो जाएगा क्यूबी में आपका कितना हो जाएगा, क्यूबी में हो जाएगा 360 डिग्री माइनस
330 डिग्री, फिर क्यूबी में लिखिएगा, माइनस मत कीजिएगा, पहले डायरेक्शन बताइएगा इस लाइन का। मान लो लाइन ए और बी है, तो इसका डायरेक्शन बताइए किस किधर से किधर की तरफ, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ, नॉर्थ और यहां लिख दीजिएगा वेस्ट, और 360 में 330 माइनस कीजिए, मान लो 30 डिग्री आया, तो 30 डिग्री दिस इज योर आंसर। डायरेक्शन नहीं बताइएगा, बहुत बार हम बच्चा लोग को देखते सिर्फ माइनस करने के चक्कर में, ताने डायरेक्शन बियरिंग मतलब क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एंगल सबटेंडेड बिटवीन द लाइन कंसर्न, या लाइन कंसर्न क्या है, ए बी एंड द मेरिडियन, मेरिडियन और लाइन के बीच एंगल बना उसको बियरिंग बोलते हैं, एंड दिस सिस्टम ऑल्सो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ लाइन, और इसमें डायरेक्शन ऑफ लाइन को भी बताते, तो डायरेक्शन ये नहीं बताएंगे तो कहां से आपका आंसर हुआ। ठीक है, अब इसका लेते हैं क्वाड्रेटर बेयरिंग में कोई फिगर रहे चीजें रहेगा उसको हम होल सर्कल बेयरिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, दो चार फिगर ले, ये दो चार वैल्यू लेते हैं। देखो बाबू, कन्वर्ट द रिड्यूस्ड बेयरिंग आर क्यूबिक क्वाड्रेंट बेयरिंग इनटू होल सर्कल बेयरिंग। अब आपको दे दिया, कुछ मत करो, इसका फिगर बनाओ, नॉर्थ 35 डिग्री ईस्ट ये दिया हुआ है पहला वाला, इसको बदलना है डब्ल्यूसीबी में, तो एक फिगर बनाइए किस क्वाड्रेंट में पढ़ रहा हूं, अपने आपको सब कुछ बता देगा। ठीक है, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का नॉर्थ 35 डिग्री ईस्ट, नॉर्थ से 35 डिग्री मतलब ये हुआ, देखो एंगल बताना डायरेक्शन के साथ कि नॉर्थ से 35 डिग्री ईस्ट के तरफ है। मान लो नाम दे दिया इसका बी सी, ये लाइन है बी सी, ये नॉर्थ से ईस्ट के तरफ 35 डिग्री है, 35 डिग्री है। ठीक है, 35 डिग्री है, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, उधर भी बताए थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में डब्ल्यू सी बी इज इक्वल टू आर बी, यदि मैं आपके बराबर तो आप मेरे बराबर, मतलब यह क्यूबी में कितना दिया है, क्यूबी में दिया है नॉर्थ 35 डिग्री ईस्ट, तो डब्ल्यू सी बी में भी कितना होगा 35 डिग्री, काहे होगा, क्योंकि डब्ल्यू सी बी में सिर्फ और सिर्फ, अभी आगे के प्रॉब्लम में समझेगा, सिर्फ और सिर्फ हम मेजरमेंट कहां से करते हैं, नॉर्थ से, तो नॉर्थ से ना मेजरमेंट किया यहां तक। ठीक है, तो पहला में यहां से यहां तक का जितना भी वैल्यू आएगा, दैट वैल्यू कम्स अंडर फर्स्ट क्वाड्रेंट नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट, एंड द वैल्यू ऑफ क्यूबी इज इक्वल टू डब्ल्यू सी बी होगा। ठीक है, इसको कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन का जरूरत नहीं है। अब देखते दूसरा किसको, ये वाला साउथ 30 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ठीक है, फिगर बनाइए, कोई रूल रेगुलेशन मत याद रखिए, ये फिगर बनाइएगा एग्जाम में अपने आप सॉल्व हो जाएगा, ईस्ट वेस्ट साउथ, कितना दिया बेटा साउथ, डायरेक्शन क्या रहेगा, साउथ 30 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ये साउथ है, इससे किधर के तरफ, ये वे सॉरी इधर इधर ईस्ट के तरफ कितना 30 डिग्री, यहां से रे बाबा, यहां से नहीं, ये साउथ से इधर डायरेक्शन बता रहे, देखिए कितना 30 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, साउथ 30 डिग्री 30 मिनट टुवर्ड्स द ईस्ट, ये दिया है, मान लो लाइन का नाम है बीसी। ठीक है, हुआ इतना, लेकिन हमको ये तो हुआ क्वाड्रेंट बेयरिंग, हमको बताना कहा है होल सर्कल बेयरिंग, और होल सर्कल बेयरिंग कहां से मेजर करते, स्टार्टिंग में बताए थे होल सर्कल बेयरिंग इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम नॉर्थ मेरिडियन और टू मेरिडियन। ठीक है, तो मतलब हम यहां से मेजरमेंट करेंगे इस ये वाला, इस जो लाइन बी सी का नॉर्थ से कितना एंगल बना, ये पूछ रहा होल सर्कल बेयरिंग में, इस लाइन बी सी का नॉर्थ से कितना एंगल बना, नॉर्थ से जो एंगल बता रहे वो डब्ल्यू सी बी होता है, तो हमको दिया ये, हमको पूछा ये वाला, ये क्वेश्चन मार्क है ये आपसे यहां तक का, और बताए थे बच्चा अभी कुछ समय पहले ये कितना होता है 180, कितना होता है 180, 180 में से आपको बताना है ये वाला बताना है जी, और ये तो दे दिया ऑलरेडी, तो 180 में से यदि इसको माइनस कर दू तो ये वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा, समझ आ नहीं आया, फिर से देखो इधर, यहां से यहां तक का 180 है नहीं, और मुझे ये वाला दे दिया है, ये वाला एंगल
ऑलरेडी दिया है, तो इस पूरे में से इतने को माइनस कर दूं मैं, इसको माइनस कर दिया, ये खत्म कर दिया, तो ये वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यही ना पूछा है। ठीक है, तो इसको डब्ल्यू सी में निकालेंगे तो कैसे होगा, देखो क्यूबी में कितना दिया आपको, क्यूबी में दिया है 130 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, डब्ल्यू सी बी में कितना होगा, 180 माइनस 30 डिग्री 30 मिनट। अब इसको माइनस करना, जो वैल्यू आएगा वो नॉर्थ से इस लाइन बीसी का बियरिंग होगा, इसको माइनस कर देना। 180 में से 30 डिग्री माइनस करना तो 150, और 30 मिनट यहां है तो 149 समथिंग होगा। ठीक है, यहां पे लिख दीजिएगा, होता है वो डब्ल्यूसीबी में हो गया। और डब्ल्यूसीबी में सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ से लिखते हैं, इसलिए कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वाड्रेंट में आपको बताने की जरूरत, क्योंकि डब्ल्यूसीबी में लिख रहा है मतलब अंडरस्टूड है कि बेयरिंग इज मेजर्ड ओनली फ्रॉम नॉर्थ। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। थर्ड क्या है, ये वाला साउथ 44 डिग्री वेस्ट लीजिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, कितना साउथ 44 वेस्ट, साउथ वेस्ट वाले में ये 44 मतलब 20 से निकाल देंगे, 45 20 से निकालते हैं 90 का, तो इसमें डायरेक्शन बताना होगा। देखिए ऐसा करना, ऐसा एंगल लगाना, कितना है बेटा, मान लो लाइन ए बी है, इस लाइन ए बी ने साउथ से वेस्ट के तरफ कितना एंगल बनाया है, 44 डिग्री का। लेकिन डब्ल्यूसीबी में बताना है आंसर हमको, और डब्ल्यूसीबी सिर्फ और सिर्फ कहां से मेजरमेंट होता है, नॉर्थ से, मतलब हमको यहां से यहां तक का वैल्यू बताना है, समझे, हमको क्या बताना है, नॉर्थ से लेके इस एबी के बीच कितना एंगल, मतलब नॉर्थ मेरिडियन और इस लाइन एबी के बीच में कितना एंगल बन रहा है, दैट इज द बेयरिंग, उसको बताना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहां से यहां तक का कितना हुआ रे बाबू, यहां से यहां तक कितना हुआ, 180, और 180 में इसको और जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत है, यहां से यहां तक आपको मालूम है, अंडरस्टूड है कि लाइन के एक तरफ का एंगल 180 होता है, और ये भी आपको दिया हुआ है, तो ये वाला प्लस ये वाले को जोड़ दो, जैसे अपन रास्ता में चलते हैं, एक पार्ट दिया आपको ए बी और यहां दिया है सी, ये आपको मालूम है 10 किलोमीटर, ये मालूम है 5 किलोमीटर, दोनों को जोड़ देंगे तो ये 180 है, और ये ऑलरेडी आपको दिया है, तो ये पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट को जोड़ देंगे कि नहीं जोड़ देंगे, प्लस करेंगे, 180 प्लस 44 डिग्री कर देंगे, तो क्यूबी में कितना दिया है, क्यूबी में कितना दिया है, साउथ 44, अरे पांच जैसा का है बन जा रहा, साउथ 44 डिग्री वेस्ट ये दिया आपको। इसको डब्ल्यूसीबी में करना है तो कुछ नहीं, पहले इसको देख लो यार, ये 180 है, प्लस कर देंगे ये वाला जो दिया हुआ है 44 डिग्री को, तो मेरा आंसर जो आएगा, दिस इज अवर आंसर, कोई दिक्कत है, हमको इसलिए डायरेक्शन ध्यान रखना होगा लाइन का, कोई दिक्कत है बाबू इसमें, और जो जो बच्चा को समझ आएगा ये चीज, जो एक बार भी ध्यानपूर्वक सुन लेगा उसको समझ आएगा। ये लीजिए लास्ट वाला, नॉर्थ 58 डिग्री वेस्ट, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, कौन क्वाड्रेंट में, नॉर्थ वेस्ट बोल रहा है, देखिए नॉर्थ 58 डिग्री वेस्ट, 58 नॉर्थ से लेना, नॉर्थ से लेना, यहां इससे नहीं बोल रहा बाबा, ये 58 मतलब इतना आ जाएगा मोटा मोटी, ये नॉर्थ से इतना चला, कितना चला, 58 डिग्री नॉर्थ 58 डिग्री वेस्ट, ये लाइन मान लो ए बी है, ये लाइन ए बी ने का बेयरिंग कितना है, नॉर्थ 58 डिग्री वेस्ट। ठीक है, इसका डब्ल्यूसीबी कहां, डब्ल्यूसीबी कहां से लेते, नॉर्थ से लेते बेटा, यहां से लेके यहां तक का आपको आंसर बताना है, क्योंकि डब्ल्यूसीबी में सिर्फ और सिर्फ बेयरिंग मेजर्ड फ्रॉम द नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, नॉर्थ मेरिडियन, तो ये नॉर्थ से लेकर हमको यहां से यहां तक का आंसर चाहिए,
और ये यहां से यहां तक का बताया था ना मास्टर ने, कितना होता है ये 360 होता है। तो 360 में से हम यदि इसको माइनस कर दे तो ये वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ। ऐसा तुम पढ़ते थे कभी, ये टोटल लाइन है ए बी, इसका लंबाई है 100 किलोमीटर, ठीक है, यहां तक का है 90, यहां से यहां तक का कितना है 90, ये 90 है, और यहां से यहां तक का कितना है 100 है। तो ये वाला निकालना क्या करेंगे, इस 100 में से 90 को माइनस कर देंगे, 10 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो हमको यहां से यहां तक का चाहिए और ये ऑलरेडी दिया है, तो उस पूरे सर्कल में से ये 58 को माइनस कर देना, आपका ये वाला मिल जाएगा। तो क्यूबी में कितना दिया है, क्यूबी में दिया है नॉर्थ 58 डिग्री वेस्ट, डब्ल्यूसीबी में कितना हो जाएगा बेटा 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री, दोनों को माइनस करना, जो आएगा वो आपका डब्ल्यूसीबी में हो जाएगा। कहां से कहां तक, यहां से यहां तक का हो जाएगा, कहां से कहां तक का फिर से देखो, ये दिया था आपको 58, ठीक है, ये नॉर्थ है ये वेस्ट है, आपको आंसर चाहिए था ये वाला, ठीक है, और ये टोटल था 360, इस 360 में से इसको माइनस कर दिया आपने, तो आपको ये लाइन का बेयरिंग मिल गया, कोई दिक्कत है। तो इसके बाद फिर और कुछ देखेंगे, जिन बच्चों को समझ आया वो कमेंट लिखना कि हाँ समझ आया, कहाँ दिक्कत हुआ, ठीक है, आगे कभी देखेंगे लोकल अट्रैक्शन, पोर बेयरिंग, बैक बेयरिंग कैसे कैलकुलेट करने करते हैं, नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। लोकल अट्रैक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं उसका पहले थियरी देखेंगे, थियरी देख लेंगे तो प्रॉब्लम तो ऐसा ही चुटकी में ऐसा हो जाएंगे निकल जाएगा, ठीक।